लास्ट ईयर से मैं खेल रहा हूँ, और लास्ट ईयर भी हमारी टीम ऑलमोस्ट सेम थी। लास्ट ईयर हम उतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन इस बार माशाल्लाह काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी अच्छा चलता रहेगा। मैं कहूँगा कि मैं फ़र्स्ट क्लास, मेरा करियर बहुत जल्दी शुरू हो गया था, मैं 7 साल हो गया मैं फ़र्स्ट क्लास खेल रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता मैं यंग रहा हूँ फर्स्ट क्लास और इस लेवल पे। और फ़िलहाल स्पिनर्स के लिए काफ़ी टफ है, क्योंकि थोड़ा आपको ज़्यादा लाइन लेंथ पे वर्क करना होगा, निकल एक तरह से अच्छा भी, क्योंकि जितने भी स्पिनर्स अभी हैं आईपीएल में काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं इस फॉर्मेट में। पहले बोला जाता था कि स्पिनर्स नहीं सक्सेसफुल रहेंगे, निकल आप देखिएगा रिकॉर्ड देखेंगे तो माशाल्लाह काफ़ी स्पिनर्स काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, तो मुझे तो अभी तक फ़िलहाल बहुत मज़ा आ रहा है। उनका अपना फंडा है, जैसे वो बैटिंग में रहते हैं, बिंदास जाओ बिंदास खेलो, जैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं जब वो बैटिंग करने आते हैं, वैसे ही वो हमसे भी बात करते हैं। एक्सप्रेस योरसेल्फ, उनका यही कहना है, एक्सप्रेस योरसेल्फ, व्हाट एवर यू नो डू योर बेस्ट, और बिंदास के लिए काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हम और वो नेगी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, और बहुत दिनों से जानते हैं एक दूसरे को, और वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो काफ़ी मदद होती है हम दोनों को आपस में नेक्स्ट में मैच में एक दूसरे को एक्सपीरियंस शेयर करने में, और प्रैक्टिस पर भी मदद मिलती है कि क्या वर्क करना है किस पर नहीं वर्क करना, तो काफ़ी इसमें मदद मिलती है दोनों को। मेरे आइडल अभी भी हैं डैनियल विटोरी है, हाँ कह सकता हूँ, क्योंकि बचपन से इन्हें काफ़ी देखा है मैंने टीवी पे देखा, और इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना काफ़ी मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात आप कह सकते हैं, क्योंकि जिनको टीवी पे देखते हैं उन्हें आप अगर उनके साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हो या उनके साथ खेल रहे हो तो काफ़ी अच्छा लगता है, और काफ़ी एक्सपीरियंस उनसे आप गेन कर सकते हो, और वो काफ़ी मैचों में मदद करती हैं। मेरे को लगता है पॉजिटिव ही पे भारी रहता है, क्योंकि पॉजिटिव ही थिंक वो भी हमसे पॉजिटिव ही बातें करते हैं, कोई भी नेगेटिव बात कोई भी सीनियर्स नहीं करते हैं, और उससे फ़ायदा ही होता है हमारे ऐसे यंगस्टर्स को। हमारे शेखर सर और एरिक सिमंस इंडिया टीम के कोच है, शेखर सर MRF के इतने साल कोच रहे हैं, काफ़ी नामी कोच हैं, और इनका एक्सपीरियंस हमें काफ़ी मदद करता है हमारे ऐसे यंगस्टर्स को, और प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्प करते हैं, वो नेट्स पे जब बॉलिंग रनअप पे रहते हैं वो आके बगल में खड़े हो जाते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस बताते हैं, या किस पर्टिकुलर लाइन पे वर्क करने है, क्या एक्शन में गड़बड़ी हो रहा है, क्या लेंथ में गड़बड़ी हो रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं दोनों मिलके, तो काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ हमारे स्पॉट बॉलिंग की ड्रिल होती है, जिसपे एक पर्टिकुलर मैट रखते हैं उस पर स्पॉट बॉलिंग हमारी ड्रिल्स होती है, तो उस पर ज़्यादातर एम्फसाइज करते हैं मूसी पे प्रैक्टिस करने की स्पॉट बॉलिंग पे, और वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा मदद भी करती है मेरे को, फिलहाल मेरे को तो यही लगता है, क्योंकि पिछले 6-7 साल से मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ, और डेज भी खेलते हैं वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो रहा है, और वनडे 2023 में भी मैं अपने स्टेट के लिए डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि फ़िलहाल तो अभी मैं सब फॉर्मेट माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। मैच से पहले भी आता है, मैच के बाद भी आता है कि ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, या मैच से पहले बहुत ज़्यादा मोरली भी बूस्ट करते हैं वो, और घर वाले भी, मैच के बाद उनसे कोचिंग मिलती है मेरे को पर्टिकुलर, ये बॉल तुमने गलत पे की है, ये सही की, तो ज़रूर मैं तो यही चाहता कि वो भी मेरे साथ खेल पाते, क्योंकि काफ़ी अच्छे बॉलर रहे थे वो अपने टाइम में, और उनके अंडर में भी मैं खेला हूँ, तो अगर वो खेलते तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आता।